हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 4, इसको डिवाइड करना है 2 से। तो 4 को नॉर्मली हम ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ 4 माइनस 0। तो ये जो 0 आया, ये हम क्या कहते हैं इसको, रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर, जिससे हमने डिवाइड करा वो क्या हो गया, डिवाइजर। जिसको हमने डिवाइड करा, डेट इज डिविडेंड। एंड जितनी बार 2 की टेबल में 4 आया, जितनी बार में, वो हम क्या कहते हैं उसे, क्वेश्चेंट। तो हमारा जो 10th क्लास का चैप्टर है रियल नंबर, उसके अंदर हमारे को इन सब से काम है। क्या काम है? उसके अंदर हम एक मेथड पढ़ेंगे, उस मेथड का नाम है यूक्लिड्स एल्गोरिथम। HCF, LCM हम सब जानते ही हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे यही लिया था 4 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसमें हमारे सब कुछ आ गया, डिवाइजर आ गया, डिविडेंड आ गया, क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर HCF क्या कहता है, एक फॉर्मूला बनाता है। क्या बनाता है? कि जब डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जब डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करा जाएगा, फिर उसमें रिमाइंडर का एडिशन करा जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डिविडेंड। क्या मिलेगा? डिविडेंड। बस यही फॉर्मूला है, यही यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर HCF है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसको हम डिवाइड, यानी कि हमको उसके अंदर यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम हमारे को यूज करना है। जैसे हमारे एक्सरसाइज 1.1 में से हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन था वो 135 एंड 225। इसमें हमारे को यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन मेथड या फिर यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके अंदर से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डिवाइजर, कि हम इससे डिवाइड करेंगे। और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम मान लेते हैं डिविडेंड, हमको इसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो जैसे 225 डिवाइड होगा 135 से। ध्यान से देखिएगा, 225 135 से डिवाइड होगा, है ना। 135 1 जा 135, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 90, ठीक है।
ठीक है 90 बच गया। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब यूक्लिड्स डिवीजन मेथड या एल्गोरिथम मेथड के अंदर क्या होता है कि जो रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आया है तो जो भी रिमाइंडर बचा, यानी कि यहां जीरो नहीं आया तो यहां क्या बचा, 90 बचा, तो ये तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली डिवाइजर बन जाएगा नया। और नया डिविडेंड अब हमको कौन सा मानना पड़ेगा, जो पुराना डिवाइजर था, पुराना डिवाइजर कौन था, 135, इसे हमें नया डिविडेंड मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 की टेबल में 135 कितनी बार में आता है, तो 90 बन जा 90, माइनस करा हमने, देन अगेन 45 बचा। ऐसा सेम पैटर्न हमको जब तक करना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए, यही यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड है, ठीक है। तो जिस भी लास्ट डिवाइजर से रिमाइंडर जीरो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो 45 अब हमारा न्यू डिवाइजर हो गया, तो नया डिविडेंड कौन होगा, इससे पहले वाला जो डिवाइजर था, तो कौन था वो, 90 था, तो नया डिविडेंड क्या हो गया, 90 हो गया। तो 45 की टेबल में 90 कितनी बार आता है, 2 बार, 45 टू जा 90, तो 90 में से 90 गया तो 0 रिमाइंडर हो गया। सो हेंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज, लास्ट कौन से डिवाइजर से जीरो आया, 45 से, तो 45 इज दी एचसीएफ। ये है यूक्लिड्स डिवीजन मेथड को किस तरीके से हमारे को एचसीएफ के अंदर यूटिलाइज करना है, यही चीज हमको ध्यान रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हमको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, ध्यान हो जानी चाहिए। अभी आप भले फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो, ये वाला डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां डिविडेंड कौन सा था भाई, यहां डिविडेंड कौन था बताओ आप, जैसे हमारे यहां डिविडेंड क्या था, 225, तो इधर राइट हैंड साइड के अंदर भी हमारे को ये तीनों को मल्टीप्लाई करके और प्लस कर टोटल क्या आ जाने चाहिए, 225 आ जाने चाहिए। डिवाइजर क्या था इसमें, 135, जब इसको डिवाइड करा तो क्वेश्चन क्या बना था, यहां देखो 1 बना था क्वेश्चन, तो 1 से मल्टीप्लाई, रिमाइंडर क्या बचा यहां, यहां 90 बचा था। तो जब इसको पूरा मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 135 इंटू 1 तो 135 होगा प्लस 90, तो क्या आ जाएगा, 225 इज इक्वल्स टू 135 और 90 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 225। तो यहां क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया ये कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां प्रूफ हो जाता है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन है ये, 196 और 38220 दो नंबर दे रखे हैं। इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम मानते हैं डिवाइजर और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम डिविडेंड मानते हैं। तो 196 की टेबल के अंदर कितनी बार में 382 आ जाए या तो या उससे छोटा आ जाए, तो 196 बन जा 196, माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर 12 बन जाएगा 1 कैरी करके तो यहाँ 6 बच जाएगा, इधर 7 बचा 1 कैरी करके 17 बच जाएगा तो यहाँ 8 बचा, इधर 2 बचा 2 में से बन गया 186 बच गया। 186 196 की टेबल में आता नहीं है, 2 कैरी करा 1862 आ जाए या तो 196 की टेबल में या फिर इससे छोटा आ जाए, तो इससे छोटा के लिए हमारे को 9 टाइम्स करना पड़ेगा। 196 9 जा क्या होगा 1764, माइनस कर देंगे तो बचेगा 98 बच गया। 98 196 की टेबल में आता नहीं है यूक्लिड्स डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। अब जो बच गया जीरो नहीं आया रिमाइंडर, तो बचा हुआ नया क्या बन जाएगा, 198 क्या बन जाएगा, नया डिवाइजर।
और जो ओल्ड डिवाइजर था वो हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा। 98 के टेबल में 196 कितनी बार में आएगा, टू टाइम्स, 98 टू जा 196, माइनस करा जीरो, सो हैंस एच सी एफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 98। जो लास्ट डिवाइजर होता है, जिस लास्ट डिवाइजर से की टेबल में वो नंबर आकर रिमाइंडर जीरो आ जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, एच सी एफ कहलाएगा। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट लेंगे। थर्ड पार्ट है, दो नंबर दे रखे हैं 867 एंड 255। छोटा नंबर डिवाइजर रहेगा, बड़ा नंबर डिविडेंड। जो छोटा 255 है, बड़ा नंबर 867 है। ओके, 255 थ्री जा 765 होता है, माइनस करेंगे 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 जीरो, 8 में से 7 102 255 की टेबल में आता नहीं है। तो अब ये जो 102 है ये नया डिवाइजर बन जाएगा और ओल्ड डिवाइजर 255 हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा। तो 102 की टेबल में 255 कितनी बार में आएगा, टू टाइम्स में करेंगे 204 आएगा, माइनस करा तो यहाँ क्या बन जाए, बच जाएगा 1, यहाँ 5। 51 अब नया डिवाइजर कहलाएगा और ओल्ड डिवाइजर नया डिविडेंड। तो वन, इससे पहले वाला ओल्ड डिवाइजर कौन सा था, 102। तो 51 की टेबल के अंदर 102 टू टाइम्स में आता है, 51 टू जा 102, माइनस करेंगे जीरो बच गया। हैंस एस सी एफ ऑफ 867 एंड 255 इज, जो भी जिस भी लास्ट डिवाइजर से रिमाइंडर जीरो आता हो वही एस सी एफ कहलाता है, वही लास्ट डिवाइजर एस सी एफ कहलाता है। लास्ट डिवाइजर 51 था, इससे रिमाइंडर जीरो आया तो 51 इज द एस सी एफ। समझ आ गया। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर्स। जहां क्यू कोई इंटीजर हो सकता है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। हम जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन मेथड क्या कहता है, आंसर नंबर टू। ये कहता है भाई कि डिविडेंड कैसे आएगा, जब डिवाइजर को क्वेश्चन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और प्लस किसको कर देंगे, रिमाइंडर को, ठीक है। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम उसको शॉर्ट फॉर्म देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिवाइजर को मैंने मान लिया ए इज इक्वल्स टू, डिविडेंड को मैंने मान लिया बी, क्वेश्चन का क्यू प्लस रिमाइंडर का आर। ओके, तो यहां जो बी है वो हमारे को कैसे पता चल रहा है, 6q+1, क्यू यानी कि क्वेश्चन है, प्लस वन मतलब ये कोई इंटीजर है, मतलब रिमाइंडर है। तो 6 से ही हमारे को हर जगह मल्टीप्लाई करा हुआ मिल रहा है क्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, कॉमन डिवाइजर हो गया। तो इसी तरीके से हम ए इज इक्वल्स टू बी की जगह क्या लिख देंगे, 6q+r, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
देखो अब हमारे को क्या लेना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी हमारे पास इंटीजर्स है वो लेते हैं। जैसे हमारे पास मैक्सिमम यहाँ कहाँ तक बोल रखा है, 6Q+5 तक बोल रखा है, तो हम 5 तक के इंटीजर्स ले लेते हैं जीरो से स्टार्ट करके। तो हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है रिमाइंडर, रिमाइंडर कैन बी, रिमाइंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है। फाइव तक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ भी हमारे को फाइव तक दे रखा है। तो हम बारी बारी से हर एक रिमाइंडर को आर की जगह पुट करके देखेंगे। तो हम पुट करते हैं जैसे ए इज इक्वल्स टू 6Q+R। तो ए इज इक्वल्स टू 6Q+R दे रखा है। हम R पुट करते हैं, हम R यहाँ क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। देन ए इज इक्वल्स टू 6Q+0। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है। तो यहां क्या है, 6 डिविजिबल है बाय 2 से, और एंड 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन इंटीजर। ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई, इवन इंटीजर की बन गई। ऐसे ही अब मैं आर की जगह वन पुट करता हूं, ए इज इक्वल्स टू 6Q+1। तो यहां भी 6 जो है 2 से डिविजिबल है। अब मैं बार बार 2 से इसलिए डिवाइड करके देख रहा हूं, अगर कोई चीज 2 से डिवाइड हो जाएगी, कोई भी नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होती तो ऑब्वियसली वो इवन नहीं होकर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसलिए हम हर एक चीज को 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 6 डिवाइड बाय 2 हो रहा है, एंड 1 क्या डिवाइड हो सकता है, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन ऑड इंटीजर। हमारे को क्या चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया। ये कब आया, जब आर इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो 6Q+1। देखो यहां भी हमारे को क्या चाहिए था क्वेश्चन के अंदर, 6Q+1। तो यहां भी हमको क्या मिल गया, 6Q+1। इसी तरीके से मैंने R रिमाइंडर 2 रखा, तो A इज इक्वल टू 6Q+2 आ गया, जहां 6 इज डिविजिबल बाय 2 और 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक इवन इंटीजर बन गया। अब वैसे ही मैंने R रिमाइंडर 3 रखा, A इज इक्वल टू 6Q+3 आ गया, जहां 6 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, एक ऑड इंटीजर हो गया। ये क्या हो गया, एक ऑड इंटीजर हो गया। इसी तरीके से मैंने रिमाइंडर 4 रखा, A इज इक्वल टू 6Q+4 आया, जहां 6 2 से डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इवन इंटीजर हो गया एक। अब मैंने आर 5 रखा, यानी कि रिमाइंडर 5 रखा, ए इज इक्वल टू 6Q+5 हो गया, जहां 6 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अब जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था वो मेरे को पॉइंट आउट करना है। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, 6Q+1 चाहिए था इंटीजर, तो वो मुझे यहां मिल गया। 6Q+3 चाहिए था ऑड इंटीजर, वो ये रहा, और 6Q+5 चाहिए था, वो ये रहा, और ये प्रूफ हो गया कि ये एक ऑड इंटीजर है ये तीनों। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, सो देयरफॉर
हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलेगा। सो एंड देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।